हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी दोपहर के बज चुके हैं 11:30, और हालात से आप समझ रहे होंगे मेरे क्या हो रहा है, अपने क्या हाल है। और आज हालात बड़ी ख़राब हैं। अभी मेरे बुखार हो गया है, बुखार भी हो गया है, जुकाम भी हो गई है, और टेम्परेचर था 103 अभी तो नापा था थोड़ी देर पहले। और डॉक्टर के पास से भी हो रही है, डॉक्टर बोला कि 3-4 दिन स्कूल नहीं जाना और मंडे को एग्ज़ाम है गाइस, देखते हैं ठीक हो जाएंगे चले जाएंगे। और बहुत हालत ख़राब सी हो रही है, और देखो कितनी सारी गोलियां आ गई हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस कितनी सारी दवाइयां, और ये है पर्ची, ये देखो। तो दवाई देख के आप समझ गए होंगे कितना हालत ख़राब है। और जुखाम ज़्यादा है, फीवर कम है, फीवर तो अब 102 हो गया है, और पहले सुबह तो 103 था। डॉक्टर के पास गए ना, जब 102 हो गया, थोड़ा सा पट्टी वट्टी लगा रखी, ठंडी पट्टी, इसलिए 1 डिग्री कम हो गया। तो फिलहाल अभी ना टीवी देखने का मन कर रहा, ना ये फ़ोन चलाने का मन कर रहा। फ़ोन देखते ही सिर में दर्द हो जाता है, और टीवी देखते भी सिर में दर्द हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे, अपने रेस्ट कर रहे हैं, बेड रेस्ट। ये देखो हमने एक कम्बल ले लिया है, और अभी साइड में देखो गोलियाँ ही गोलियाँ हो रही हैं। तो ये वायरल चल रहा है, वायरल के दिन चल रहे हैं आजकल। अभी डॉक्टर गए ना हम, इतनी भीड़ हो रही थी डॉक्टर के पास, सभी एडमिट थे। सही, मैं एडमिट के हालात में तो नहीं हूँ, मतलब इतना तो ठीक हूँ बोल सकता हूँ। और चलो फिर अभी खाना वाना खाएंगे, और अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी बस, और उसके बाद पैरासीटामोल ली थी, फिर गए थे डॉक्टर के पास। हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, और अब तो ठीक है थोड़ी बहुत, अब तो मतलब चल घूम सकते हैं। पहले तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बस लेटे रहो बेड पे, ठंड सी लग रही थी, अब फिलहाल बढ़िया महसूस हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है। गाइस 3 डेज स्कूल नहीं जाना है, और नाना बंद है, दही पापड़ भुजिया अचार घूमना जूस सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, परहेज करेंगे जब भी ठीक होंगे। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:10, और अभी अपना खाना आ चुका है, ब्रेक वो लंच आ चुका है। रोटी नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, बीमार आदमी खिचड़ी खाएगा सही रहेगा। अभी दिखाते हैं, ये देखो खिचड़ी तैयार है, नमकीन खिचड़ी। तो अभी खाते हैं, ओके गाइस, खाना खाने के फिर गोली लेंगे। तो गाइस खाना डन, खाना वाना हो गया है, और अभी टाइम है गोली लेने का। तो गाइस ये देखो इतनी बड़ी बड़ी गोली है, वैसी वैसी। तो फिलहाल लेते हैं, खाना खा लिया है, एक साथ ले लूँ क्या, एक साथ। तो गाइज अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, और अभी थोड़ी तबीयत में थोड़ा सा आराम है, ज़्यादा आराम नहीं है, खांसी जुकाम तो वैसे ही है। और यहाँ पर आज भाई स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं गए आज। और यहाँ, और यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं नितिन। नितिन क्या कर रहा है भाई, उधर देख है, ये देखो जो है नए पौधे आए थे ना, इनको सबको गमले में डाल रहा है नितिन, बहुत ही नेक काम कर रहा भाई है। ये कुछ भी नहीं करवा रहा है, ये बैठे आराम से उसके बायर बीमार है यार, मैं बीमार है तो थोड़ा मोड़ा काम करवाए, बता क्या करवाना है, ये मिट्टी निकाल दे भाई। चल फिर मिलते हैं, तो कोई गमला है ढूंढ के दे दे, कोई बढ़िया से ढूंढ के दो, देख के तेरी चॉइस, ये वाला दे देते हैं गाइस। ये वाला गमला मैं गिफ्ट कर रहा हूँ नितिन को, ले रहे रख दे रख दे। ये तो वो है मिट्टी, मिट्टी नहीं है तो क्या है फिर, खाद है, देसी खाद, गोबर है, इट मेक्स द प्लांट फर्टाइल। ये देखो जी कितने तगड़े तगड़े दिल, कितने दिन चलेंगे ये पौधे, ये चल जाएंगे 1-2 साल भरे, तू भी ऐसे भरी हो, ठीक है ना। ठीक है ओके, देखो कबूल कर रहे, मैंने भरे हैं सारे। चलो इस बुखार कम करने के लिए ये ठंडी पट्टी लगा ली है, और सौड़ में गरम गरम, और फिलहाल थोड़ा बुखार कम हो जाएगा, ठंडी पट्टी से है ना थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिलहाल 102 ही है, कम नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं गाइस।
तो गाइज अभी रात के शाम के बज चुके हैं 7 और अभी टेम्परेचर चेक करके देखते हैं कितना है, कुछ असर हुआ है नहीं। तो गाइज ये देखो पट्टी का कमाल है, ठंडी पट्टी लगाने का, और अभी 99.6 हो चुका है, तो लग नहीं रहा 99.6 हो गया, हालत तो वैसी है। तो गाइज गोली ले लो। तो गाइज खाना वाना हो चुका है और गोली भी ले ली है, और अभी टाइम है दूध पीने का, और दूध में आज डाल के लेंगे अदरक और हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो ये बहुत अच्छी है, रिकवर करने में हेल्प करेगी थोड़ी सी। तो अभी आपको अभी दूध लेते हैं मस्त गरम गरम हल्दी का, ताकि सुबह तक मस्त फील आए। तो गाइस हल्दी का दूध इज रेडी, सो लेट्स हैव इट। तो गाइस वो नाक कुछ ज़्यादा ही जाम हो रहे हैं, तो इसलिए स्टीमर लेना पड़ेगा, भाप लेनी पड़ेगी, इसलिए अपने घर में ही है भाप लेने वाला। ये देखो किसी को भी जुखाम अपने ले सकता है, और फिलहाल इसके अंदर एक वो डाल रखी है विक्स वाली, एक सिप्ला की आती है, तो फिलहाल ऑन कर देंगे इसको यहाँ से, और इसके अंदर से भाप चालू हो जाएगी गाड़ी। ये देखो इसको ले के और डायरेक्ट सो जाएंगे, लेते हैं। तो गाइस भाप ले लिया है, और अभी थोड़े बहुत नाक खुल चुके हैं, और अब सीधा सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा बीमार वाला ब्लॉग, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।